जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर बोगरे। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एंड एग्जाम, उसका रिजल्ट कुछ ही दिन पहले लगा और आज यूपीएससी ने जो कट ऑफ है वो रिलीज कर दिया है। और ये कट ऑफ यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इस कट ऑफ के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो ट्रेन चलता आ रहा है उस पर रिलाय नहीं कर सकते, उस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। हर एग्जाम इंडिविजुअल होती है और उसका इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो सेट किया जाता है। हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर पिछले बार कट ऑफ इतना था तो इस बार उससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इस बार का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम का 98 कट ऑफ हमें देखने को मिलता है जनरल कैटेगरी का। और इस बार पहली बार जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई। आप सभी को पता है ना कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया, जिसके तहत आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, उसमें चेंजेस किए गए, उसमें अमेंडमेंट लाया गया। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो यहां पर हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पहली बार ये कैटेगरी देखने को मिलती है। और इसका अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो ये जनरल कैटेगरी से कम रहा था, क्योंकि काफी इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है कि सिर्फ 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कट ऑफ दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है इसका जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहे जनरल कैटेगरी से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है तो 90 यहाँ पर हमें मार्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं ये 200 में से है, क्योंकि दो पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। तो सीसेट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो कट ऑफ निकाला जाता है वो जीएस पेपर से निकाला जाता है। मतलब 200 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उस पर निर्भर करेगा आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 98 मार्क्स हमें देखने को मिलता है, मतलब 200 में से आपको सिर्फ 98 मार्क्स चाहिए थे तब जाकर आप कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ ओबीसी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ज्यादा हमें जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर 95.34 देखने को मिल रहा है। एससी का अगर हम देखें तो ज्यादा दूर नहीं है, 82 देखने को मिल रहा है। एसटी अगर हम देखें तो 77.34, और इस तरीके से यहाँ पर हमें बाकी के जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहे हैं। अब जब हम मेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप 98 से ऊपर कर लिए हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप यहाँ पर प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर ले रहे हो। अब यहाँ पर आप जब प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो आपको मेंस एग्जाम देना पड़ता है, और मेंस का यहाँ पर कट ऑफ अगर हम देखें तो वो हमें देखने को मिलता है 751। जी हाँ, 751। अगर हम पिछले बार से कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 2018 का 774 हमें कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा था। 774 कट ऑफ देखने को मिल रहा था। मतलब क्या है, मतलब इस बार का जो मेंस का कट ऑफ गया है पिछले बार के कंपैरिजन कम गया है। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि इंडिविजुअल हर एग्जाम पे तय होता है कि आपका कट ऑफ जो है कैसा रहेगा, वो काफी चीजों पर निर्भर होता है कि जो बच्चे हैं वो कितने बैठ रहे हैं एग्जाम के लिए, उसी के साथ साथ जो पेपर है वो कितना टफ निकल रहा है, जो चेकिंग हो रही है वो कितनी टफ हो रही है, तो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते अगर पिछले बार इतना था तो इससे ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 साल से हमने देखा हुआ है जो प्रीलिम्स है 116 पर कट ऑफ चला गया था और उसके बाद सीधा 100 के अंदर आ चुका है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है बिल्कुल भी पिछले साल के कंपैरिजन में खड़ा नहीं रह सकता है, वो इंडिविजुअल एग्जाम पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर 751 इस बार का हमें देखने को मिलता है, बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ओबीसी जो है इसका ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देखे तो इसका ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर फाइनल लिस्ट देखते हैं तो फाइनल यहाँ पर 961 हमें देखने को मिलता है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल 982, जी हाँ 982 था। मतलब इस बार अगर आप देखोगे तो मेंस का जो कट ऑफ है वो तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम आया ही है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो भी यहाँ पर कम आया है, जो आउट ऑफ 2025 होता है तो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन कम आया है। अगर हम ओबीसी देखते हैं तो वो आया है 925, अगर पिछले साल का कंपेयर हम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 938 था। तो आप देख सकते हो जो कैटेगरी वाइज है वो भी यहाँ पर हमें कम देखने को मिला है कट ऑफ। तो अब यहाँ पर आप खुद तय कर सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम के लिए आपको अप्रोच करना है। तो अब इस साल जो एग्जाम आने वाली है तो अब यहाँ पर पोस्टपोन कर दी गई है। तो अब पोस्टपोन होने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम सिनारियो देखें तो पोस्टपोन होने की वजह से क्या हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि जो इस साल नहीं दे रहे थे, जो ऐसा सोच रहे थे कि हमारी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, लेकिन अब वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पर 4 महीने का गैप मिल गया है। तो ये जो 4 महीने उनको मिले हैं तो अब वो ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे भी एग्जाम देना है,
तो हो सकता है कि कॉम्पिटिशन जो है ये थोड़ी यहाँ पर टफ हो जाए। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो कॉम्पिटिशन भले ही टफ हो जाए लेकिन उसमें भी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारे लोगों का मोरल जो है वो कम हुआ होगा, क्योंकि जब एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है तो फिर जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, जो ऑलरेडी तैयार है कि मुझे एग्जाम देना है, तो उनका मोरल यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि सभी जितने की भी यहाँ पर प्रिपरेशन हुई थी वो 100% जो है वो नहीं दे पाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अभी के समय में यहाँ पर करना क्या है, अभी आप जितना जोर हो सके लगा दीजिए। अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोरल जो है वो होता है कम क्योंकि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए अगर आपके टेस्ट सीरीज में कम भी मार्क्स मिल रहे हैं, ये मत सोचिए कि 4 तारीख को एग्जाम होगी या नहीं होगी, ये बाद में देखा जाएगा, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। आपकी प्रिपरेशन कभी खाली नहीं जाती है, ठीक है, आपका ज्ञान जो है वो आपको दिलाता ही है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप पूरा जोर से लग जाइए। टेस्ट सीरीज में कम मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए कट ऑफ कितना आ रहा है, तो उस टाइम पेपर पर निर्भर करेगा, पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, कितने लोगों को टफ गया है, कितने लोगों को आसान गया है, उस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए प्रीलिम्स जो है ये निकालना सबसे जरूरी होता है और ये सबसे पहला गेट होता है। यही अगर आप क्लियर ना करो तो मेंस और फाइनल जो है उसके कोई मार्क्स काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप जो प्रीलिम्स है उसके लिए अभी पूरी तरीके से जोर लगा दीजिए, क्योंकि अभी कम टाइम बाकी है, तो पूरा उस पर जोर लगा दीजिए। उसी के साथ साथ जो सीसेट है उसको भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स ये होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो जीएस है वो निकाल लेते हैं, सीसेट में क्वालिफाई नहीं हो पाते, इसीलिए उस पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। जो सीसेट है उसके भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखिए, पुराने जो पेपर्स होंगे वो सॉल्व करके देखिए, क्योंकि सीसेट ऐसा है कि आप पुराने पेपर सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जाता है, आपको पता रहेगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब जीएस में आपको करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज जो है जितनी ज्यादा हो सके टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। अभी आप टेस्ट सीरीज पर निर्भर रहिए, अगर टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी तरीके से हो गई, आपको ऐसा लगता है कि मेरी टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप जो आपने टेस्ट सीरीज दी हुई है उसे इवेल्युएट कर सकते हो, या फिर जो रिविजन है रिविजन पर जोर डालिए। अभी कोई भी नई चीज मत पढ़िए, और रिवीजन के लिए आप एमएम एकेडमी जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हेवी डिस्काउंट चल रहा है आज के तारीख में, अगर आप देखोगे तो हेवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए एमएम एकेडमी, आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री जो कंप्लीट सीरीज हो चुकी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, बहुत सारी सीरीज आपको वहां पर मिलने वाली है इसीलिए, और हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, जो ऐप है उस पर भी डेमो लेक्चर देख सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और आपकी इस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी, इस एग्जाम के लिए भी आपको बहुत बेनिफिट उससे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेस है उसके बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो कवर किए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, उसमें मॉक टेस्ट जो है वो भी मैं ले रहा हूं, तो टेस्ट सीरीज भी आपकी उसमें सॉल्व हो रही है, ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको अभी करना क्या है, आपको बस टेस्ट जो है वो आपको एनालाइज करना है, उसी के साथ साथ आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन पर जोर दीजिए, सिर्फ रिवाइज कीजिए, आप कोई नई चीज मत पढ़िए, कोई भी नई चीज की तरफ मत देखिए, देखिए ही मत, मतलब सीधा वो एक मेम होता है ना वो ऐसा वाला, तो नई कोई भी चीज के लिए ऐसा रखिए और जो पुरानी चीज है उसके लिए ऐसा रखिए। तो यही चीज अभी आपको करना है, ठीक है, कोई भी पुरानी चीज को हाथ मत लगाइए, जिससे क्या होगा कि अब यहां पर जितना भी आपका प्रिपरेशन हो चुका है उसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो आपने किया हुआ है अगर उसके भी मार्क्स आप काउंट कर रहे हो, उस पर भी आप 100% अगर अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा यहां पर नहीं जा रहे हैं, आपको यहां पर 120 की तरफ टारगेट नहीं करना है, आपको अब टारगेट करना है 100 के आसपास टारगेट कीजिए, और वो तो खैर पेपर के वक्त ही पता चलता है, ऐसा भी हो सकता है 130 चला जाए कट ऑफ अगर बहुत ही आसान निकले, लेकिन फिर अगर इतना आसान आता है तो आप भी कर ही पाओगे ना सॉल्व वो, लेकिन अभी आप टारगेट क्या रखिए कि आपको 110 जो है उससे ऊपर आप मार्क्स लेके आते हो तो काफी सेफ हुआ, ठीक है, उस हिसाब से आप तय कीजिए, उस हिसाब से आप आपका जो प्रिपरेशन है वो रखिए, और जितना ज्यादा हो सके आप पुरानी चीजें जो है उसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना बॉस, मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसे क्लियर करना एक टेक्निक होती है, किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो, है ना, जो मैं एमएम एकेडमी ऐप पर आपकी जो टेस्ट सीरीज देता हूं उसमें मैं लॉजिक भी बताता हूं कि ये लॉजिक आप लगाइए, जिससे कि अगर आपको नहीं भी पता है जवाब फिर भी आप सॉल्व कर पाओ, तो ये एक टेक्निक होती है, जिससे कि अगर आपको नहीं भी पता है तो लॉजिक से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, इससे तो हम सिर्फ 10% माइंड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो कॉन्शियस माइंड है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में होती है, तो उसका जब हम इस्तेमाल करना सीख जाएंगे आपकी जो भी एग्जाम है क्लियर हो जाएगी। तो एमएम एकेडमी ऐप पर ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।